तो वहां से स्पीति के लिए निकल जाएंगे ना हम लोग। सर चितकुल के लिए किधर से? चितकुल ग्रेट व्यू है, अगर ये व्यू नहीं देखे ना आपने कभी जिंदगी में तो कुछ नहीं देखा भाई। पूरा का पूरा जो ये होगा ना ये ग्लेशियर सा पूरा नीचे आ गया। ये मेरे को लगता गर्म हो गई है, गर्म हो गई या फिर ठंड तो क्या माने ही गर्म ही हो गई है। नहीं नहीं बच गया बच गया। तो भाई अब बन रही है मैगी, प्याज टमाटर हम लोगों ने शाम को ही काट लिए थे भाई। लोग मैगी बन के हो चुके हैं रेडी, फटाफट से मैगी खाते हैं, सामान वामान पैक करते हैं। तो फिलहाल भाई अभी 10:12 हो चुकी हैं और अभी फिलहाल मैंने बना लिया सुबह सुबह मस्त चाय। और भाई ये जो चाय बन रही है ना अपना ये पाउडर वाले दूध से बन रही है, जो कुछ नेस्ले का इस टाइप का ये वाला दूध है और इसी से अपना जो है काम चला रहे हैं। ये अपना हो गया यहाँ पे चीनी और बाकी पूरा सामान इस साइड में रखा हुआ है हमारा। बाकी सिलेंडर अपना बहुत बढ़िया काम आ रहा है भाई, मस्त चाय पी रहे हैं और बाकी जो है अभी फिलहाल चाय पीते हैं, देन उसके बाद में व्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ा बाहर निकल के करेंगे जो उसके साथ में। मैं सोचा भी यार चाय बना रहे हैं तो आप लोगों को भी दिखा दें कि जिंदगी कैसी जी जा रही है। ये देखो चाय, हाय 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 हाय, चाय चाय चाय। सभी भाई और बहनों को जय श्री राम, हर हर महादेव, नए दिन और नए सफर में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल भाई अभी जो है आज की जो राइड है उसकी स्टार्टिंग हम कर रहे हैं और अभी फिलहाल मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ जहाँ पर हम लोग रात रुके थे। तो कुछ इस तरह के देख रहे हो नज़ारे हैं, पूरा के पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक पहाड़ी पहाड़। और भाई फिलहाल जो है यहाँ पर ये मंदिर था तो यहाँ पर हमने कैंपिंग की थी, बाकी अपनी दोनों बाइक हो चुकी है रेडी, पूरा सामान रख लिया हमने इन पर। तो ये कुछ जगह थी जहाँ पे की थी कैंपिंग, ये वाली जगह थी तो काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ पे माता जी का मंदिर है और ये वाली जो जगह है ये BRO के अंडर में आती है। तो फिलहाल भाई चलते हैं आगे की तरफ में बढ़ते हैं। और ये कुछ भैया हैं ये हमें मिले हैं, ये कहाँ हरियाणा से हो भैया आप? जी फरीदाबाद। अच्छा फरीदाबाद, क्या नाम भैया आपका? गौरव। चलो भाई बढ़िया है, तो चलें डेविल भाई हो चुके हैं रेडी। तो भाई डेविल भाई की बाइक भी हो चुकी है रेडी, बढ़ते हैं अपना आगे की तरफ।
एक बार व्यू चेक कराता हूँ। ये देखो भाई आप ना, ये देखो भाई है कि नहीं, अल्टीमेट व्यू है, एकदम खतरनाक भाई, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक, मतलब कि आंखें की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, ऐसा सिस्टम है भाई यहाँ का। लेकिन बहुत खड़ी चढ़ाई है एकदम, बाइक बिल्कुल भी लोड नहीं लेती है, आप भगाओगे कितना भी भगा लो कुछ कर लेना नहीं चलेगी, बहुत हल्की हल्की जाती है। खतरनाक भी हुआ मेरी जान, और अपनी जो बाइक है फर्राटे काट रही है, रुकने नहीं बिल्कुल भी, ना अपने पास में सुपर बाइक है, ना अपने पास में सुपर कार है, अपने पास में है पैशन प्रो। ए बेटे नजारे देखो नजारे, ये है स्पीति वैली वाला रोड, अभी स्पीति वैली पहुंच रही है, लेकिन ये वहां तक जाने का सफर है। ओहो मेरी जान, देख रहे हो नजारे, लल्ला क्या नजारे है, हर महादेव, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओहो जन्नत है रे जन्नत, ओए स्वर्ग में आ गए, ओहो क्या नजारे हैं, हाय रब्बा। जो जो भाई इस वीडियो को देख रहा हो उसको अगर ये नजारे और मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो उसको शेयर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो आता हो जो होता हो सब कर दो और खुश रहो। का बोर्ड दिख गया है, कल्पा के लिए सीधे चले जाएंगे, हमें जाना है चितकुल के लिए जो कि यहाँ से ज्यादा नहीं 40-45 किलोमीटर के आसपास में है, और ये जो है अपने इंडिया का लास्ट विलेज है, तो भाई चलते हैं, जैसे कि फर्स्ट विलेज माना है ऐसी करके ये लास्ट विलेज है चितकुल, तो चलते हैं भाई चितकुल के लिए। जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने ये गया नहीं था, मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि जब आप कभी भी किसी सफर पर जाते हो ना कोई एक ना एक चीज मिस करके आया करो ताकि दोबारा जाने का एक मजा रहे, कुछ रहे कि हाँ यार कुछ रह गया है मेरा, तो फिलहाल चलते हैं भाई चितकुल। भाई फिलहाल जिस रोड पे हम चल रहे हैं ना चितकुल जाने के लिए, पूरा का पूरा रोड खराब है भाई, ऑफ रोड है बहुत तेरी, बहुत खराब रोड है भाई, बहुत खराब, कम से कम 40 किलोमीटर जाना है हमें इसी रोड पे, खैर आज तो पहुंच ही जाएंगे हम, चल मेरी जान, बस ये कि थोड़ा तो रास्ता कहीं सही मिले। ओहो मेरी, बाकी सामने देखो भाई बर्फ का पहाड़ है पूरा का पूरा, वो देखो सामने, और कुछ नहीं पता चितकुल में ही बर्फ पड़ रही हो, पड़ी पड़ रही हो या फिर पहले पड़ी हो, देखने के लिए मिल जाए तो मजा आ जाएगा। देख रहे हो बर्फ पूरा का पूरा, ये होगा ना जैसे ग्लेशियर सा पूरा नीचे आ गया ये, तो इसी मेरे को लगता है इसी रास्ते के लिए कह रहे थे जो बंद है रास्ता, ये भाई पूरा का पूरा पूरा हाल है, पूरे में बर्फ ही बर्फ है, और मेरे को लगता है ये पूरा रास्ता ना खोला गया होगा। ओ तेरी, ओ भाई ओ तेरी, पूरा ग्लेशियर है भाई ये, अगर हल्का सा ही पिघला ना तो सीधे नीचे जाएंगे इसके साथ में, कभी रुकना ही नहीं चाहिए इसके आसपास में, तो ये देखो बर्फ पड़ी हुई है सब जगह, चल चल मेरी जान, चल चल चल, अब जिधर आगे से पानी आ रहा है ना आगे भी बर्फ होगी पक्का, अपना ही बंद होगी चलती चलती, ये लफड़ा हुआ बहन जो अब अलग ही जगह पे आके हुई है, तो ऐसी जगह पे बंद हुई है, आस पास कुछ भी नहीं है, हम लोग जहाँ आपने शेविंग कराई थी 20 किलोमीटर तो आ गए होंगे वहाँ से, तो हाँ 20 किलोमीटर के आसपास तो कुछ भी नहीं मिला है, मेरे को लगता है गर्म हो गई है, गर्म हो गई या फिर ठंड, ठंड तो क्या माने ही गर्म ही हो गई है भाई, ये लफड़ा हो गया अपने साथ में, अब जो है बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, भाई उसे कर रहा है स्टार्ट, लेकिन मेरी जान तू तो खतरनाक ही है, तू तो जलवी उठा रखे हैं, हो जा तो सही है ना, तो जो ड्रम हो जाएगा 5:30 बज गए हम मारे जाएंगे चौड़े में, पूरे में बर्फ ही बर्फ वैसे पड़ी है इधर उधर,
चलो भाई चलो 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 स्टार्ट हो तो गई। वैसे कोई कार्बेटर में कचरा वचरा आ गया होगा, पर मेरे को लगता है BS6 में कार्बेटर वार्बेटर, हाँ कार्बेटर तो होता ही है यार। चल मेरी जान तैने तो जुलम ठहरा के भाई, बाइक को थोड़ी सी बर्फ के नजारे दिला देता हूँ, बर्फ खिलाता हूँ बाइक को। मैं कहा बाइक को थोड़ी सी बर्फ खिला दे, बाइक को थोड़ी सी बर्फ। ओ मेरी जान भाई, ये तो पूरी पत्थर की तरह है। जाओ मेरी जान, जाओ जाओ जाओ, फंस गए फंस गए फंस गए। ओ मेरी जान, देख रहे हो बर्फ। ए मेरी जान, मैं ट्रायल ले रहा हूँ कहीं फंस गए तो क्या होगा कहीं अगर फंस गए तो क्या होगा ये देख रहा हूँ मैं। ओ मेरी जान, ये तो ठंड मान की दिखे। चल 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 चल, अब तो बर्फ पे भी चढ़ा दी, अब क्या लेगी यहाँ के तो चढ़ाई सी आ गई है। चितकुल है अभी 30 किलोमीटर। बहुत बुरा हाल है, कौन आ रहा है पीछे से। आज आया कसम से मजा तो राइड में, खतरनाक रास्ता मिल रहा है, बर्फ ही बर्फ है कतई पूरे में भाई। हाँ भैया, हाँ मैं भैया बुलंदशहर से आया हूँ, अभी कन्याकुमारी करके आया हूँ पूरा का पूरा। ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए मेरे को निकले हुए घर से। अभी फिलहाल विंटर स्पीति करने के लिए आया था, अभी जा रहा हूँ चितकुल के लिए। बस भैया ऐसी है, नहीं नहीं भैया बहुत तो थैंक यू। बस वही है भैया, नहीं मैं बस हमेशा ना एक ही मैसेज देता हूँ सबको कि अपने पास में जो है सिर्फ उसी से अपना आगे बढ़ो। जैसे मेरे पास में छोटी बाइक थी मेरी, तो उसी को लेके मैं निकल आया, तो वही कर रहा हूँ अभी ऑलमोस्ट। वही है, बड़े बड़े कहावत है कि हौसलों से उड़ान नहीं होती, परों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। तो वही है भैया, 28 स्टेट में से अभी 17 स्टेट कंप्लीट कर चुका उसी बाइक से। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। मैं अभी तो वैसे तो प्रॉपरली बुलंदशहर से हूँ, और बाकी मैं पूरा कन्याकुमारी करके आया हूँ अभी। हाँ हाँ आप कहाँ से हो? हम फरीदाबाद हरियाणा। वैसे तो हम भोले के भक्त हैं और हनुमान के चेले। हम हरियाणा के पास बिल्कुल फरीदाबाद के पास। अच्छा बदरपुर दिल्ली का। अच्छा बदरपुर के पास से हो भैया, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। बस हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल आप भी मिलिए हमारे भाई राम भाई। बहुत भैया बहुत भैया, ये मुझे ना आपका सबसे अच्छा लगा, ये जो भगत सिंह लगा रखा है ना। हाँ भैया ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है बहुत बड़ी भाई। हौसला कभी मत तोड़ना। नहीं भैया बिल्कुल, बस पकड़ना ही आएंगी जीवन में, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हौसला आपका कभी टूटना चाहिए। नहीं भैया बस आप सब भाइयों का प्यार है तो कर पा रहे हैं भाई, प्यार दे सकते तो हमारे पास प्यार ही है। नहीं भैया बस प्यार ही चाहिए और कुछ नहीं, बाकी कोई हमारे लिए हेल्प नहीं। नहीं भैया कुछ नहीं, बाकी तो सब कुछ बढ़िया है, बाकी पूरा। हाँ रास्ता तो काफी ज्यादा टफ है लेकिन कर रहे हैं। तो भाई ये चेक करो क्या सिस्टम बन गया रे, देखो पूरे में बर्फ ही बर्फ है रे भैया। अरे मैया जी, और डेविल भैया आ जाओ, ठंड है रही है भैया। कल हमने चेक करा चितकुल का टेम्परेचर -6 में भैया। अरे मैया नीचे तो ना कहीं रास्ता चितकुल का। ओ मैया रे मर गए रे, ठंड में मर गए रे भैया। अरे मम्मी, अरे मैया रे मम्मी। ओ वेलकम टू टुकमा फैमिली, फैमिली कह रहा हूँ वैली, टुकमा फैमिली फैमिली कह रहा हूँ वैली। मेरी जीप भी लड़खड़ा रही है बर्फ के चक्कर में तो। अरे मैया चलो पेट्रोल पंप तो है यहाँ।
अरे मैया यहाँ का तो कुत्ता भी लगी है। अरे मैया री बर्फ ही बर्फ है तमाम। अरे मम्मी अब ना हूँ बर्फ में, फटके चार है गई मम्मी, घनी बर्फ पड़ रही है मैया री, पूरे हाथ जम गए, ग्लव्स पहनूं कैमरा बंद करके। नहीं बच गया बच गया। अब आगे संभल के चलाना, आगे पूरा ना ऐसे ही होगा। नहीं नहीं नहीं, पीछे सपोर्ट सही रहेगा क्योंकि आगे तो बात वही है, पीछे जाकर गिरेंगे तो थोड़ा सा ऐसे होगी ना, इधर आके फिसल गए, हमारी स्लिप मार रही, हमारी गाड़ी स्लिप मार रही है। अच्छा ओवर हो गई होगी, ओवर हो गई, सेल्फ नहीं ले रही बिल्कुल। हैं किक से कर लो, ट्राई करके इसका क्लच साफ कर लो एक बार भाई, इसे खोल के ओवर हो गई है बाइक, थोड़ा ना पेट्रोल की बदबू आ रही है, ओवर हो गई है इसको लगाओ, इसमें लग गया, अब करके देखो। ये पेट्रोल टैंक खोल दो, दो मिनट के लिए। अरे यार मेरे तो पैर और जमने लगे, बहुत बुरा हाल है यार। तो भाई अभी जो है डेविल भाई की जो मोटरसाइकिलें एक साथ ही रपट गई यहाँ पे आते के साथ में, और अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट नहीं हो रही है। हाँ ढक्का मार कर लो, चलो चलो चलो। भाई मेरे तो पैरों में ठंड लग रही है बहुत बुरी, गीले से हो गए, कोने पे कर लो इधर को। हाँ गाड़ी निकल जाएगी ना पीछे से, मैं ला रहा हूँ बाइक अपनी। तो भाई डेविल भाई की जो बाइक है वो गिर गई है, और जो अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, एक साथ ही गिर गई। और वो भाई और पैर गीले हो गए यार, हैं वाटरप्रूफ नहीं है, कोई नहीं पता नहीं चला। चलो भाई चलो चलो चलो, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, चल 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 चल। हुई क्या, हो गई
चलो भाई स्टार्ट तो हो गई है। यार मेरे जूते गीले हो गए यार, वाटरप्रूफ नहीं है ये, ठंड लगनी स्टार्ट हो गई है यार, पूरे बर्फ पड़ी है। चल रही है अब, मेरे को लगता है ओवर वगैरह हो गई थी। हाँ अच्छा, BS6 तो बेकार है यार, कम से कम इसमें जो चौक उठा के चलाता लो वो तो बेकार ही हो जा पूछ, और संभाल के चलाना अब, एक साथ ही आ जाती है ब्लैक आईज, देखो जैसे ये रही सामने। तो भाई फिलहाल जो भी आए गाड़ी में भैया चल रहे हैं ना, जिन्होंने अभी हमारी हेल्प की थी, और पीछे आए थे जब ये भैया पूछ रहे थे, अभी फिलहाल अभी हमारे आगे आगे चल रहे हैं, तो थोड़ा क्या है कि गाड़ी की वजह से ना थोड़ा जगह सी बन जाएगी, तो हमारी हेल्प कर रहे हैं। सॉरी यार अब कुछ पैर मेरे बहुत ज़्यादा सुन्न होने लगे हैं, अब क्योंकि वाटरप्रूफ नहीं है मेरे जूते भाई, इधर तो बहुत बुरा हाल है, तो जितना सोचा था उससे ज़्यादा बुरा हाल है यार, जितना सोचा था उससे ज़्यादा बुरा हाल है। मेरे जूतों में पानी भाई, बिल्कुल नहीं सोचा था यार, मेरे पैर गीले हो गए भाई। ओ तेरी, ओ भाई ओ तेरी, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो भाई, इससे खतरनाक राइड नहीं की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी, सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो भाई अभी फिलहाल जो है जहां हम जा रहे थे ना चितकुल के लिए, वहां का तो रास्ता पूरा का पूरा है बंद, पूरा ब्लॉकेज हुआ पड़ा है क्योंकि बर्फबारी हो रखी है काफी तगड़ी वाली, लेकिन भाई अभी हमें कोई भी रुकने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, बट अभी थोड़ा सा हम ना पीछे की साइड में आए जहां से हम पहले निकल के गए थे, तो वहां मैंने एक जगह देख ली थी रुकने के लिए, तो अभी हम लोग वहां पर आ गए। तो फिलहाल भाई ये देखो अपनी जो है मैगी बनके तैयार हो गई है, थोड़ी कच्ची वच्ची जैसी भी है भाई यही है, क्योंकि हमारे पास में पानी ही नहीं था, भाई जो है टमाटर प्याज वगैरह नहीं खाते हैं तो ये सादा खा रहे हैं, और बाकी मेरा कुछ इस तरह से हिसाब किताब है भाई, ये देखो यार कैसे कैसे काम चलाना पड़ रहा है ये। सो फाइनली भाई अभी जो अपना खाना पीना खा लिया है, खाने बाद ज़्यादा कुछ अपने को नहीं मिला क्योंकि पानी की कमी हो गई थी, पानी नहीं था अपने पास में तो कुछ बना भी नहीं पाए, थोड़ा सा पानी था उसमें से बड़ी मुश्किल से उस मैगी को बना पाए। देन अभी फिलहाल कैंपिंग टेंट के अंदर आ चुके हैं, बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा भयंकर ठंड होने लगी है, अभी फिलहाल रात के अभी 11 बजने वाले हैं, और आप अभी टाइम चेक कर सकते हो 11 बजने वाले हैं, और टेम्परेचर देखो -9 टेम्परेचर चल रहा है इस टाइम पे, तो काफ़ी ज़्यादा भयंकर ठंड है यहाँ पे, और अभी फिलहाल अपना जो है स्लीपिंग बैग के अंदर आ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं इस चीज़ के लिए, तो प्लीज़ भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, शेयर करना, कमेंट भी करना, और बाकी मिलेंगे आपसे कल, सब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जय श्री राम, हर हर महादेव।